लोग बच्चों पीछे क्लास में पढ़ रहे थे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पहले सबसे पहले कांटेक्ट में रखा गया। तो कांटेक्ट में क्यों रखा गया था? कांटेक्ट में इसलिए रखा गया था कि हम उसको इलेक्ट्रोड समझकर बैटरी बनाना चाह रहे थे। तो आपने देखा कि जब वो कांटेक्ट में आया तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब कांटेक्ट में आ गया तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे ये दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए। और जब न्यूट्रलाइज हो गए मतलब न्यूट्रल हो गए, मतलब जो चल रहे थे वो अब रुक गए, इमोबाइल हो गए। तो उसी को हम लोगों ने क्या बोला था? डिप्लेशन लेयर। तो एक तो पहले डिप्लेशन लेयर बन गया। जब डिप्लेशन लेयर बन गया तो फिर मैंने बोला कि डिप्लेशन लेयर का जो थिकनेस है वो क्या बताएगा? रेजिस्टेंस बताएगा। जितना ज़्यादा डिप्लेशन लेयर मोटा बनेगा इसका मतलब रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा है। फिर बात ये हुआ कि रेजिस्टेंस बन गया, फिर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव माने इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए थे तो उसको हम लोगों ने बोला कि ये डाइलेक्ट्रिक बन जाता है। कैसा काम करता है? डाइलेक्ट्रिक जैसा। और अगर वो डाइलेक्ट्रिक जैसा काम करेगा तो दो प्लेट है, एक जो पी टाइप था, अब पी टाइप कैसा हो गया? एन टाइप हो गया था। जो पी टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था वो तो न्यूट्रल हो गया, अब पी टाइप में क्या बचा? माइनॉरिटी बचा। माइनॉरिटी माने नेगेटिव बचा। और एन टाइप में क्या बचा? उसका माइनॉरिटी पॉजिटिव बना। तो जहाँ पे पहले बैटरी प्लस इलेक्ट्रोड और माइनस था, जब हमने कांटेक्ट में रखा तो इलेक्ट्रोड क्या हो गया? प्लस माइनस से माइनस और प्लस हो गया। इसी को आप लोगों को मैंने बोला था कि ये पोटेंशियल बैरियर है। और ये पोटेंशियल बैरियर है मतलब जब आपने मिलाया पी टाइप और एन टाइप को, तो अगर वो सिलिकॉन डाइऑड है तो वो बैटरी बनेगा कितने वोल्ट का? 0.7 वोल्ट का। और अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट का। इसी को मैंने बोला था कि ये क्या है? पोटेंशियल बैरियर है। अब क्या क्या हो गया? बैटरी बन गया, पोटेंशियल बैरियर, कैपेसिटर बन गया, रजिस्टर बन गया। तो ये मैंने पढ़ा। इसके बाद फिर हमारे दिमाग में बात ये आया कि जो हम चाह रहे थे बैटरी वो तो बना नहीं, बन तो गया उल्टा, पी टाइप की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव बन गया। आपने देखा होगा ना, वैसे ग्राफ उल्टा हो गया था, तो ये उल्टा बन गया। तब फिर हमारे दिमाग में आया कि हम इसको फिर से सेपरेट करें, मतलब जो न्यूट्रल हो गए हैं उसको अलग करें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फिर से अलग करें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि इसको क्या करना है? बायसिंग करनी है। तो बायसिंग में आपने एक बायसिंग पढ़ा, फॉरवर्ड बायसिंग। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ा तो वहाँ पे कुछ बातें समझ में आया कि बच्चों जब फॉरवर्ड बायसिंग था तो करंट हमें मिल रही थी और वो करंट डायोड करंट नॉन लीनियर थी, और डायोड का जो रेजिस्टेंस था फॉरवर्ड बायस में वो बहुत कम होगा। और उसकी वैल्यू निकाला था कि अगर एक एम्पियर करंट फ्लो करे, एक एम्पियर, तो 26 मिली ओम रेजिस्टेंस होगा, ऐसा कोई वैल्यू निकाला था। इसके बाद बच्चों फिर आगे बढ़ते चले गए, फिर मेन पॉइंट आ गया रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में हम लोगों ने ये देखा कि इधर की तरफ करंट और इधर की तरफ वोल्टेज, और इधर की तरफ करंट है, रिवर्स बायसिंग की बात चल रही है।
तो जैसे जैसे हम बैटरी का बोल्ट बढ़ाते गए, रिवर्स बायस वाला जो बैटरी आपने लगाया था उसका वोल्टेज बढ़ाते गए, तो बच्चों वोल्टेज बढ़ता गया, करंट बढ़ता गया और रेजिस्टेंस भी बढ़ता गया। सुने क्या क्या बोला? वोल्ट बढ़ता गया, करंट बढ़ता गया और रेजिस्टेंस भी बढ़ता गया। ऐसा संयोग दुनिया में फिर कहीं नहीं मिलेगा जहाँ सब बढ़े। यहाँ वोल्ट भी बढ़ा, करंट भी बढ़ा और रेजिस्टेंस भी बढ़ा। अब यहाँ पे एक ऐसा वोल्ट आया कि जिसके आगे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट अब बढ़ नहीं रहा है। अब जब करंट नहीं बढ़ रहा है तो हमने बोला कि ये रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है? इनफाइनाइट। तो बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया। तो रिवर्स बायस में अगर पूछा जाए कि कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो हमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ही लिखना पड़ता है। और जिस समय इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है उस समय यहाँ की जो करंट है उसका नाम पड़ा था क्या बोला था? सैचुरेशन। कौन करंट? सैचुरेशन। तो ये सैचुरेशन करंट होगा। और ये डायोड इक्वेशन में फॉरवर्ड बायस में आई बराबर आई नाट में यही वाला आई नाट वहाँ यूज़ होता है। इसके बाद फिर बच्चों हमने बोला कि अभी वोल्टेज हम बढ़ाते ही जा रहे हैं, अब करंट इतना ही मेंटेन है और वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। जब बच्चों मैं वोल्टेज बढ़ाते गया तो फिर थोड़ा सा यहाँ चेंज होना शुरू हुआ। अचानक से ये धीरे धीरे ये जो सीधा था थोड़ा ये फिर से बदलना शुरू किया। अभी बदलते बदलते यहाँ आया। मैंने इसका नाम रखा था ए, इसका नाम मैंने बोला था ओ और इसका नाम मैंने बोला था बी। क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता, ऐसा नहीं कि अचानक से कोई घटना हो जाती है, कुछ टाइम लगता है। क्योंकि मैकेनिक्स का नियम है कि कोई भी घटना अगर हो रहा है तो कुछ टाइम लगेगा, एक समय पे कई घटना एक साथ नहीं हो सकती। यही पढ़ते हैं ना कि एक टाइम पर दो इवेंट कभी भी नहीं होता, इसीलिए हम लोग ऐसा इसको बनाते हैं। और जो ए ओ बी है, ए ओ बी इसका नाम है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक ओवर रीजन। यही पढ़ाना था तब तक टाइम ख़त्म हो गया था। बच्चों इसे बोलते हैं ब्रेक ओवर रीजन, मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे इसका नेचर बदलने शुरू हुआ। अब बढ़ते बढ़ते ये वोल्ट यहाँ पे आया बी पॉइंट पर, वी बी। तो फिर यहाँ पे लिखा गया एट बी बराबर वी बी, इस वोल्ट का नाम क्या पड़ा? ब्रेक। ब्रेक इसलिए कि जो आगे बढ़ रहा था उसमें ब्रेक लग गया। अब जो आगे ये बढ़ता जा रहा था, ब्रेक ओवर रीजन में थोड़ा ये बेंड हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो आगे बढ़ने का ब्रेक लग गया। तो ये ब्रेक हो गया, मतलब आगे अब नहीं बढ़ेगा। ब्रेक का मतलब ये हुआ। और ब्रेक लगने के बाद फिर क्या हुआ? डाउन। डाउन हो गया। डाउन का मतलब ये हुआ कि अचानक से यहाँ पर जो करंट आई वो करंट कितनी आई? बहुत ज़्यादा करंट आ गई। ये करंट इनफाइनाइट हो गई। अचानक से बच्चों बहुत ज़्यादा करंट यहाँ पे फ्लो कर गई और ये करंट आकर इनफाइनाइट हो गई। थोड़ा ग्राफ को सही से बनाना होगा आपको। ये इनफाइनाइट करंट फ्लो कर गई, तो ये करंट इन्फिनिटी हो गई। ऐसे करंट इनफाइनाइट हो गई। चलो ये हो गया। अब ये करंट यहाँ पे अचानक से इनफाइनाइट हो गई, सीधी हो गई लाइन। तो इस वोल्टेज को हम लोग कौन सा वोल्टेज बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो बच्चों ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है।
अब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया। तो कभी कभी पूछा जाता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है। तो अगर मान लो किसी ने पूछा बच्चों कि ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, तो क्या बताओगे? तो ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस पे करंट कितनी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। ये ग्राफ सही नहीं बना है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है एट विच करंट बिकम इनफाइनाइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वी बी माने वोल्टेज एट विच करंट इनफाइनाइट हो जाए। और अगर बच्चों करंट इनफाइनाइट हो गया तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये क्या बन जाएगा, सुपरकंडक्टर। मतलब एक ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे जिसे हम सेमीकंडक्टर को कंडक्टर्स बनाना चाह रहे थे, कंडक्टर बन जाए, लेकिन वो क्या बन गया, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर बन गया। बच्चों यहाँ पे मैं लिखूँगा सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर जो था ये सुपर कंडक्टर हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसका बिहेवियर क्या हुआ, तो सुपर कंडक्टर हो गया। यहाँ पर अगर हम इम्प्योरिटी को, जो इम्प्योरिटी हम मिलाते थे ना, पी टाइप और एन टाइप कैसे बन रहा था, इम्प्योरिटी ही तो मिला रहे थे। अगर इम्प्योरिटी हम और बढ़ा दें, तो अगर इम्प्योरिटी हम बच्चों और बढ़ा दें, मान लो तो इम्प्योरिटी अगर हम और बढ़ा दें तो ये थोड़ा और आगे जाएगा और ऐसे आएगा। मतलब ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज कहाँ पे कब मिलेगा, तो अगर हम इम्प्योरिटी को बढ़ा दें तो ये वोल्टेज, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो और आगे चला जाएगा। ये आपको बनाना नहीं फिगर, मैं ऐसे थोड़ा समझा रहा हूँ कि अगर हम इम्प्योरिटी को बढ़ा दें, इम्प्योरिटी को जैसे 1:10^6 है, अगर मैं 1:10^4 कर दूँ, 10^5 कर दूँ, तो ये क्या करेगा, ये जो ग्राफ यहाँ से मुड़ गया थोड़ा आगे जाके बेंड होगा। ये प्रैक्टिकल करके देखा गया है। अब आपके किताब में एक ही लाइन बनी है, लेकिन ये ब्रेकडाउन वोल्टेज को, मान लो क्वेश्चन टीचर ने पूछ लिया कि क्या ब्रेकडाउन वोल्टेज को बदला जा सकता है, तो आप क्या बताओगे, नहीं बदला जा सकता है कि बदला जा सकता है? कैसे बदला जा सकता है? इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन को बदल कर। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, इसे नोट कर लो। ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। देखो मैं इसको हटा दे रहा हूँ ना, नहीं कन्फ्यूजन करेगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, राइट बच्चों? तो किस पर डिपेंड करेगा, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पर। कौन डिपेंड करेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। इम्प्योरिटी बढ़ाने से तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा और आगे जाके वो नीचे भागेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा इम्प्योरिटी मिला दोगे तो हमें जो सुपर कंडक्टर 10 वोल्ट पे मिला, तो ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलाने पर वो सुपर कंडक्टर हमें 12 वोल्ट पे मिलेगा। तो हम क्या चाहते हैं, सुपर कंडक्टर जल्दी से मिल जाए। तो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब इतना भी कम ना हो कि वो करंट फ्लो ही ना करे, इसलिए हम बीच में ऑप्टिमम रखते हैं। तो कभी कभी टीचर पूछ लेता है कि इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन को और बढ़ा दो, तो बोलो नहीं, एक लिमिट से अगर ऊपर भागेगा तब फिर वो उल्टा काम करेगा, तब तो फिर वो मेटल जैसा हो जाएगा ना, तो कंडक्टर जैसा हो जाएगा। तो कंडक्टर तो सुपर कंडक्टर बनेगा नहीं, सेमी कंडक्टर तो बनेगा लेकिन कंडक्टर नहीं बनेगा।
तो इसलिए हम ज़्यादा इम्प्योरिटी को नहीं मिलाते। अक्सर पूछते हैं टीचर लोग कि भाई तुम इम्प्योरिटी ज़्यादा क्यों नहीं मिला सकते हो, तो उसका आंसर बताओ कि तब ये सेमी कंडक्टर का जो नेचर है ना, ये कंडक्टर का नेचर बनने लगेगा, और जब कंडक्टर बन जाएगा तो कंडक्टर सुपर कंडक्टर नहीं हो सकता। ये सब बात बोला जाता है। तो अब आप इतना बात समझ गए कि नहीं? अब बच्चों समझ गए, चलिए आप समझ गए, मान रहा हूँ कि समझ गए आप। अब ये कहानी, अब अगली बात आती है कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जो हमें मिला वीवी आपको इनफाइनाइट करंट आई, और ये इस समय कौन सी घटना हुई जो इनफाइनाइट करंट आया, तो यहाँ पे कौन सी घटना हो गई, मतलब इस वोल्ट पे अचानक से क्या हो गया। अभी तो हम ये बोल रहा था ना कि ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम बदल सकते हैं, चलो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन से बदल लोगे, लेकिन अगली बात ये आती है ना कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या ऐसा हो गया, ऐसा कौन सी चीज़ हो गई कि जो हमें इनफाइनाइट करंट मिलने लगा, आखिर क्या हो गया। अब क्या हो गया उसको लिखा जाए। अब बच्चों यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज जो मिला और ये सुपर कंडक्टिंग नेचर हमें दिख रहा है, इसको बताने के लिए उस समय दो लोग थे और दो लोग ने अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया। तो इस इफ़ेक्ट को समझाने के लिए एक का नाम था एवलांसी, उसका नाम ही था एवलांसी, तो उसी के नाम का एवलांस लिखा गया, एवलांस इफ़ेक्ट। अब ये एवलांस इफ़ेक्ट क्या है पूछा जाएगा, एवलांस इफ़ेक्ट क्या है, तो एवलांस इफ़ेक्ट क्या है अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। एवलांस इफ़ेक्ट किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी, बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। मतलब मोटा मोटा बात बस यही है, ये काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड होगा। कंपटेटिव एग्ज़ाम में जब पूछा गया तो ये बोला जाएगा कि ये किस पे बेस्ड है, तो उसका आंसर क्या हुआ, बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। क्या ढूंढ रहे हो जी, क्यों हाँ? रोज माइक ही थोड़े रहते हो। अब यहाँ पे लिखा है कि बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। अब आप लिखेंगे एट वी बराबर वी बी, एक लाइन लिख भी लो, एट वी बराबर वी बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज कैरियर ई वी बी बिकम मोर। ये बात समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी यही होता है ना, चार्ज इंटू वोल्टेज, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ए इंटू वी बी। तो लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज कैरियर ई वी बी बिकम मोर फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी, फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कौन सा बॉन्ड एनर्जी, जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड भी, और जो आयनिक बॉन्ड बना हुआ है प्लस और माइनस मिलकर ये भी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि बिकम मोर फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी, हैंस हेंस। अगर बच्चों बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो गई तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बांध के रख पाएगा? जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है तो रुक पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भाग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, हेंस ऑल द कोवैलेंट बॉन्ड, ऑल द कोवैलेंट बॉन्ड, ऑल द कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, विल ब्रेक एंड ऑल द चार्ज कैरियर, एंड ऑल द चार्ज कैरियर। बच्चों जब बॉन्ड ही टूट गया तो जितने भी चार्ज कैरियर हैं वो किस स्टेट में आ गए, अब फ्री हो गए ना, एंड ऑल द चार्ज कैरियर बिकम फ्री, बिकम फ्री, बिकम फ्री। हैंस वी गेट इनफाइनाइट
करंट, वी गेट इनफाइनाइट करंट। आप लोगों को यहाँ पे इनफाइनाइट करंट मिलेगा, ये एवलांसी ने बताया था। एवलांसी ने इतना बता के और बाकी उन्होंने कोई काम नहीं किया, पब्लिक को बता दिया कि बच्चों सेमीकंडक्टर से सुपर कंडक्टर बन गया, क्योंकि तुमने एक ऐसा बोल्ट लगा दी जिसपे सारे के सारे कोवेलेंट बांड ही टूट गए, और जब सारे कोवेलेंट बांड टूट गए तो कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा, और जब रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो इनफाइनाइट करंट आ गया, लोग समझ गए। इसके बाद उसी टाइम में एक दूसरे साइंटिस्ट और थे, उन्होंने भी इसी चीज़ को दूसरे तरह समझाया, और उनका नाम था जीनर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीनर इफेक्ट। तो अवलांसी इफेक्ट के बाद अब आप लिखोगे जीनर इफेक्ट। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, लो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, अवलांसी इफेक्ट एप्लीकेबल है, सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा कब, जब लो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन होगा। ये हिडन बात है, ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछने वाली बात है, ये किताब में हो या ना हो, लेकिन ये बच्चों हमारे प्रैक्टिकल फिजिक्स का ये मेन बात होती है कि अगर अवलांसी इफेक्ट ज़्यादा सूटेबल है तो कब सूटेबल ज़्यादा है, जब इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन कम होगा। राइट, समझ में आया। अब चलो आगे लिखो, दूसरा इफेक्ट लिखो, हम यहीं पे थोड़ा सा बदल देंगे, आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। अब दूसरा इफेक्ट आया जीनर इफेक्ट, उसी समय जीनर ने भी इसी को समझाया था कि सुपर कंडक्टर क्यों बना, और जीनर इफेक्ट बच्चों सबसे ज़्यादा वैलिड है या एग्रीमेंट है या मोस्ट सेटिस्फाइड है जब हाई इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन होता है। हाई इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, आप देखो दोनों इफेक्ट एक ही है, लेकिन जिसने एवलांसी ने जब पढ़ा था या बताया था तो उन्होंने जो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन लिया था वो कम मान के किया था, और जब जीनर ने बताया तो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन ज़्यादा मान के समझाया था, तो इसलिए उनके थीसिस में, उनके रिसर्च पेपर में लिखा हुआ था कि इट इज़ 100% एग्री विथ लो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, और इन्होंने लिखा था 100% एग्री विथ हाई इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। तो थोड़ा सा डिफरेंस यही है। अब यहाँ पे ये किस पे है, बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी, नहीं ना, बेस्ड ऑन फोर्स, ये फोर्स पे डिपेंड करेगा, बेस्ड ऑन फोर्स। इन्होंने ये समझाया कि जो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है ये काफ़ी कम होती है। थोड़ा एक लाइन शुरू करते हैं ऐसे, इनके दिमाग में जो बात आया था, जो इन्होंने जिस पे ज़्यादा फोकस किया था, ऐसे लिखा जाए, इन्होंने बोला कि थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर, थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर, बच्चों ये लगभग होता है 10^-6 meters, मतलब माइक्रोमीटर के आर्डर का होता है, और अगर हमने एट VB बराबर 10 बोल्ट, अगर ब्रेकडाउन बोल्ट 10 बोल्ट आया तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, V/D, तो V माने 10 हो गया और D माने 10^-6, तो 10^7 बोल्ट पर मीटर। तो इन्होंने बोला कि इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है उस पर डिप्लेशन लेयर पर, कि उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हाई इलेक्ट्रिक फोर्स आया और उस फोर्स ने क्या किया, बांड को तोड़ दिया, वही इनर्जी और वही यहाँ पे फोर्स हो गया। इन्होंने फोर्स समझा दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे